137 दिन तक पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि चुनाव था पांच स्टेटों का सिर पे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उससे तुरंत बाद एकदम ही तेल बढ़ने लगे? ये एक एक घंटे के बाद रसोई, कभी रसोई के दाम बढ़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये आह्वान जरूरी है। जो पहले कहते थे हम 400 रुपये में देंगे, जो कहते थे 35 रुपये में पेट्रोल देंगे, आज 100 से ऊपर पार हो चुका है। पूरा प्रदेश महंगाई से त्रस्त है। जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत जो हमारी जो वस्तुएं हैं, उनके रेट दिनों दिन कई गुना जो है उनमें इजाफा हुआ है। इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आम जन का बिल्कुल जीना हराम कर दिया है। कि जो महिला 3000 में अपनी रसोई का खर्चा चलाने की सोच रही थी, आज 1000 प्लस तो गैस का चूल्हा ही हो गया, सिलेंडर। ये महंगाई सिर्फ रसोई को ही नहीं बिगाड़ रही है, किसानों का भी खेल बिगाड़ रही है। आज किसान के खाद कट्टा के 300-400 रुपए ऑटोमेटिक बढ़ा दिए। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई, हरोज जो गैस के, डीजल के, पेट्रोल के और डीएपी के जो पिछले दिनों इन्होंने 150 रुपये अचानक एकदम दाम बढ़ाए हैं, उसके विरोध में 9 तारीख दिन शनिवार सुबह 10 बजे अपने जवाहर पार्क में एक प्रदर्शन रखा गया है जिला मुख्यालय पर सभी साथियों के सहयोग से, जिसमें श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, बड़े भाई बूटा सिंह जी, सतबीर भाड़ा जी, पीएल भारद्वाज जी, राम निवास जी, रोशन पाडला जी, हमारी बहन सुशीला जी, रांझा साहब, मुकेश जी और सभी साथी हलके के और जिले के मुख्य साथी एक रोष प्रदर्शन करेंगे श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की अगुवाई में। वहाँ से इकट्ठे होकर सभी साथी सेक्रेटरीट की तरफ जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे डीसी साहब को। जो दिन प्रतिदिन आप हर रोज़ देख रहे हैं, हर रोज़ तकरीबन 80 पैसे, आज भी सुबह 80 पैसे बढ़ाए गए, सीएनजी में 2.5 रुपया बढ़ाया गया। जो ये पिछले चुनाव खत्म होते जो मोदी सरकार ने जो ये तोहफा दिया है उन्हें चुनाव जिताने का, आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को, व्यापारी वर्ग को जो एक तोहफा दिया है, तोहफा तो क्या दिया, उल्टा तोहफा जो उन्होंने दिया है, पिछले 13 दिन में 14 दिन में लगभग 10.5 रुपये 10.40 रुपये के करीब तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिन प्रतिदिन जो ये महंगाई की मार होती जा रही है उसके विरोध में सभी साथी इकट्ठे होकर एक भारी रोष प्रदर्शन करेंगे। उसी के बारे में आप साथियों से बात करने के लिए आप सभी को यहाँ बुलाया गया है, आपको न्योता दिया गया है। 137 दिन तक पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि चुनाव था पांच स्टेटों का सिर पे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उससे तुरंत बाद एकदम ही तेल बढ़ने लगे? ये मोदी जी की हमेशा ही नीति रही है, जब भी कोई चुनाव आता है किसी स्टेट का, कुछ दिन के लिए इसको रोक दिया जाता है, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट उनके पक्ष में आए, उनके विपक्ष में आए, उससे अगले दिन ही बढ़ोतरी कर दी जाए। विशेष तौर पे जो मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, गरीब आदमी हम जिसको कहते हैं, उसका जीना दिन प्रतिदिन दूभर होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल जैसे ही बढ़ेगा, आप सब्जियों के दाम आज देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमत पर असर पड़ेगा, तो आम आदमी का तो जीना बहुत मुश्किल हो गया। एक सिलेंडर मुफ्त दे के अब एक सिलेंडर की कीमत आप 1000 रुपये पहुँचा दी है, जब 400 रुपये थी तो ये अर्धनग्न होकर पूरे देश में प्रदर्शन करते थे, आज कहाँ है? बाबा रामदेव जी के अगर आप करनाल के विचार सुने तो बाबा शब्द लगाते हुए भी खुद को ये फील होता है कि मतलब आदमी ऐसे कैसे प्रेस को ये जवाब दे सकता है कि मेरी पूंछ पाड़ दे, क्या एक सभ्य आदमी को ये जवाब देते हुए अच्छा लगता है? वही बाबा रामदेव जी 2014 से पहले जो आपकी अदालत में ही कहते थे कि आप मोदी सरकार लाइए 35 रुपये में आपको डीजल मिलेगा, आज कहाँ गए वो वादे? आज डीजल 100 रुपये के करीब पहुँच गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया। आपने प्रदर्शन की बात की, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, एक साल से आंगनबाड़ी प्रदर्शन कर रही है, एक साल से ज़्यादा किसान बैठे रहे, कितना असर देखते हैं प्रदर्शन का? 13 महीने किसानों ने बहुत लड़ाई लड़ी, 6 मौसम निकल गए, सर्दी, गर्मी, बारिश, बहुत इकट्ठे होकर उन्होंने संघर्ष किया जिसका उन्हें फल मिला। तो जिंदा कौमों को तो संघर्ष करना पड़ेगा, तानाशाहों के प्रति तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है सबसे पहले वो आवाज़ उठाएं। और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अपने कार्य के लिए, अपने फर्ज के लिए बिल्कुल सतर्क है, इसलिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के सभी साथी इकट्ठे होकर 9 तारीख को सुबह 10 बजे ज्वार पार्क से अपना प्रदर्शन शुरू करें। आज जो भाई साहब ने महंगाई के मुद्दे पर बात की है, 9 तारीख को जो एक प्रदर्शन किया जा रहा है,
हमारी तरफ से गूला की तरफ से उस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाएगा और हजारों की तादाद में गूला से यहाँ लोग पहुँचेंगे, उस प्रदर्शन में शरीक होंगे। और महंगाई का मुद्दा जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि किस तरह से महंगाई रोज की रोज बढ़ रही है, आपने देखा होगा एक एक घंटे के बाद रसोई कभी रसोई के दाम बढ़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये आह्वान जरूरी है, आम जनमानस तक पहुंचा जाए, ये आवाज़ उन लोगों तक उठाई जाए जो लोग ये मानते हैं कि जो ये देश को बनाने में कांग्रेस का योगदान था और इन लोगों को इसको बेचने नहीं देंगे, इन लोगों को बर्बाद करने नहीं देंगे, इसके लिए उस दिन ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे पूरे हलके से मेरे साथी हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे और जो कांग्रेस पार्टी की नीति पहले थी आम जन के साथ थी, वो नीतियों को दोबारा लागू करवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है आम विरोधी जन विरोधी, जो आज आम जन माता मेरी बहनें जैसे गैस सिलेंडर तो गैस की कमी, जो गैस सिलेंडर में जो इतना रेट हुआ है, जो पहले कहते थे हम 400 रुपये में देंगे, जो कहते थे 35 रुपये में पेट्रोल देंगे, आज 100 से ऊपर पार हो चुका है। और मेरी माता मेरी बहनें का जो रसोई का सामान था वो बहुत महंगा हो चुका है, चाहे वो शीशम का तेल लगा लो, चाहे सरसों का तेल या रसोई का, चाहे कोई सा भी सामान लगा लो, वो बहुत महंगा हो चुका है। उसके लिए पुंडरी हल्के से मेरे साथ सैकड़ों साथी हजारों साथी यहाँ प्रदर्शन करेंगे। और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, नेताओं का फर्ज बनता है कि वो आम जनता की आवाज़ उठाएं, क्योंकि पूरा प्रदेश महंगाई से त्रस्त है। जो मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत जो हमारी जो वस्तुएं हैं उनके रेट दिनों दिन कई गुना जो है उनमें इजाफा हुआ है। और जो है इसके विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हर नागरिक है, चाहे वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर वर्ग जो है बीजेपी से त्रस्त है। और हम सभी इकट्ठा होकर कैथल शहर के और पूरे जिला भर से जो है लोग हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आम जन का बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। अब डेली देख लो, एक रुपया दो का क्या हाल है, कितना बुरा हाल इस सरकार ने आम जन का कर दिया है। इसके विरोध में हम पूरी जोर शोर से चौधरी दीप सिंह के साथ पूरा आंदोलन करेंगे और सभी साथियों का पूर्ण से दोबारा से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे यहाँ के लोकप्रिय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का, जिन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे ज़्यादा संघर्ष महिलाओं को करना पड़ रहा है कि जो महिला 3000 में अपनी रसोई का खर्चा चलाने की सोच रही थी, आज 1000 प्लस तो गैस का चूल्हा ही हो गया सिलेंडर भरवा के, तो वो दूध के रेट देख लो, दाड़ों के रेट देख लो, चावल के, तो उस सोचने पे मजबूर हो गई है कि इस सरकार में मैं अपना घर कैसे चलाऊँ। तो वो बहनें मजबूर हैं और ख़ासकर गरीबी की तो मार पड़ी हुई थी, जो मध्य वर्ग है वो ज़्यादा इसके अंदर पिसा हुआ है, क्योंकि रोज़गार खत्म हो चुका है और महंगाई की मार में जो पैसा था वो भी खत्म हो चुका है, तो करे तो क्या करे। तो आज एक 9 तारीख को जो बीड़ा उठाया है हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये महंगाई सिर्फ रसोई को ही नहीं बिगाड़ रही है, किसानों का भी खेल बिगाड़ रही है। आज किसान के खाद कट्टा के 400-400 रुपये ऑटोमेटिक बढ़ा दिए, कोई पहले घोषणा नहीं, कुछ भी नहीं, 400 रुपये DAP का कट्टा बढ़ा दिए। और इसकी मार पूरी किसानों पर पड़ रही है, डीजल की मार किसानों पर पड़ रही है, ट्यूबवेल का ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ चुका है। आज किसान भी तराई माम हो रही है, किसान की तरफ से भी पूरी जनता इस महंगाई की मार से बिल्कुल त्रस्त है। और हम इसके लिए बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस पार्टी हर समय इसके लिए कि किसानों के लिए और जनता की आवाज़ उठाने के लिए हर प्रकार से तैयार रहेगी। कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति ने एक फैसला करा, जिस तरह देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई एक ज्वलंत मुद्दा है, ये सरकार चारों तरफ से देश के युवाओं पर और गरीबों पर महंगाई की मार करके उनको मार रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला करा पूरे देश के अंदर 9 तारीख को जिस तरह से महंगाई बढ़ी है,
इस तरह रसोई चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। रसोई गैस के दाम आग की तरह फैल रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में एक तरह से कंपटीशन हो गया है कि कौन ऊपर जाए। इसीलिए सर शहर से कितने कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुँचेंगे? हमारे 31 वार्ड हैं, 31 वार्ड से तमाम मोहल्लों से जो 145 और 150 कॉलोनी मोहल्ले हैं 131 वार्ड में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुरजेवाला साहब के आह्वान पर शहर की सभी बाहरी बस्तियों से, शहर के सभी मोहल्लों से, तमाम 31 वार्ड से भारी संख्या में महिलाएं और गरीब साथी आकर कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को अपना सहयोग देकर मजबूती प्रदान करें।